बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की गठन अब हो चुकी है। सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष नीतीश कुमार समेत सभी 15 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। ऐसे में आज सभी नए मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में 15 मंत्री होंगे और उन 15 मंत्री को जिम्मेवारी भी सौंप दी गई है। सबसे पहला नाम नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, विभाग सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। दूसरा नाम तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री, विभाग वित्त विभाग, वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास एवं आवास। तीसरा नाम रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, उद्योग। चौथा नाम विजय कुमार चौधरी, विभाग ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क। पांचवा नाम बिजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा, मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, योजना एवं विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। छठा नाम अशोक चौधरी, विभाग भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक कल्याण। सातवां नाम मेवालाल चौधरी, विभाग शिक्षा, शीला कुमारी, विभाग परिवहन, संतोष कुमार सुमन, विभाग लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। दसवां नाम मुकेश सहनी, विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन। ग्यारहवां नाम मंगल पांडे, विभाग स्वास्थ्य, कला संस्कृति एवं युवा, पथ निर्माण। बारहवां नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह, विभाग कृषि, सहकारिता, गन्ना उद्योग। तेरहवां नाम डॉक्टर रामप्रीत पासवान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। चौदहवां नाम जीवेश कुमार, विभाग श्रम संसाधन, पर्यटन, खान एवं भूतत्व। पंद्रहवां और आखिरी नाम राम सूरत कुमार, विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार, विधि। तो ये हैं ये 15 मंत्री जो कि बिहार के कैबिनेट में हैं और इनमें से कई नए चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल में आपको देखने को मिल रहे हैं। नेशन न्यूज़ की रिपोर्ट।